Good morning to all. Today's topic is agricultural engineering, farm mechanization, which is very important topic for IBPS specialist officer of agricultural field officer. So the today's topic name is Agricultural Machinery Custom Hiring Centers Model Scheme. This is very important scheme. कस्टम हायरिंग सेंटर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछने के चांसेस है, तो ये टॉपिक आपको समझना है. मेनली कस्टम हायरिंग सेंटर क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, पर्पस क्या है, विजन क्या है, वो आज हम देखेंगे. तो आज कस्टम हायरिंग सेंटर क्या है, एक्चुअल में क्या होता है, वो आज हम लोग देखेंगे. राइट, सो आर यू रेडी? ओके. द कस्टम हायरिंग सेंटर्स. The Indian agriculture is undergoing a gradual dependence on human power and animal power to mechanical power because increasing cost of upkeep of animal and growing scarcity of human labor. Indian agriculture जो है वो धीरे धीरे human power and animal power को convert करके mechanical power के तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि ह्यूमन पावर एंड एनिमल पावर के लिए इनपुट कॉस्ट ज़्यादा लगती है. सो मैकेनिकल पावर यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन निकालने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर इस्टेब्लिश करना चालू है. तो मैकेनिकल पावर हैज़ अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स. So there is a strong need for taking farm mechanization. However, the farm power distribution is quite uneven across the states. Mechanical power is consumed in a big land holdings and the small marginal farmers are unable to use a farm machinery on their own or through institutional credit. Abhi mechanical power ka use large farmers easily kar sakte hai, lekin small and marginal farmers use nahi kar pate. Because scarcity of money and whatever scarcity of all the important equipments. Okay, so there should be a group of farmers or group of large farmers to purchase the big farm machinery. तो ग्रुप ऑफ फार्मर्स मशीनरीज परचेस करते हैं एंड जो भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है वो इजीली वो इक्विपमेंट्स कस्टम हायरिंग सेंटर से यूज करते हैं ऑन अ रेंटल बेसिस. तो हम डेफिनेशन देखते हैं. ओके, देखिए, दीज आर दी फोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. The custom hiring centers, the state government through the Department of Agriculture is popularizing the concept of custom hiring centers as a part of achieving the objective of farm mechanization through upgradation of technology for rising agriculture and horticulture crops. The department is following a strategy of encouraging big farmers or a group of farmers to come together for purchasing high cost machinery. अभी ग्रुप ऑफ फार्मर्स कम टुगेदर फॉर परचेसिंग अ हाई कॉस्ट मशीनरी फॉर विच पर्पस दे गिव द फार्म मशीनरी ऑन रेंटल बेसिस टू फार्मर्स हु कांट अफोर्ड टू परचेस हाई एंड एग्रीकल्चरल मशीनरी. अभी जो भी स्मॉल फार्मर्स एंड मार्जिनल फार्मर्स है उन्हें रेंटल बेसिस के ऊपर मशीनरी प्रोवाइड की जाती है. सो The centers will play a vital role in introducing high technology agriculture machinery to even ordinary farmers with the objective to boost crop production and improve quality of agriculture operations. In short, अभी group of farmers है, मतलब state government through the Department of Agriculture, there is a scheme, custom hiring center. अभी ग्रुप ऑफ लार्ज फार्मर्स या फिर स्मॉल फार्मर्स का भी ग्रुप हो सकता है, ऐसे कुछ नहीं है कि लार्ज फार्मर्स का ही, लेकिन पूरे स्मॉल फार्मर्स या फिर ग्रुप ऑफ फार्मर्स दे परचेस द लार्ज इक्विपमेंट्स विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट
अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. एंड जब स्मॉल फार्मर्स या फिर मार्जिनल फार्मर्स जब उन्हें इक्विपमेंट्स चाहिए तब वो इजीली वहाँ से अवेलेबल कर सकते हैं. एंड वो रेंटल बेसिस के ऊपर वो कस्टम हायरिंग सेंटर जो है वहाँ से रेंटल बेसिस के ऊपर उसका यूज करते हैं और उन्हें रिटर्न वो इक्विपमेंट्स दे देते हैं. तो ये यहाँ पे विन विन सिचुएशन है. ओके, तो फार्म इक्विपमेंट्स इनका भी स्कोप होगा, इनका भी यूज बढ़ेगा एंड जो भी इनपुट कॉस्ट है वो कम होगी. एंड जो भी स्मॉल फार्मर्स एंड मार्जिनल फार्मर्स है उन्हें इनपुट कॉस्ट ज़्यादा लगती है क्योंकि मैन पावर वो ज़्यादा यूज करते हैं. इसीलिए तो उन्हें इक्विपमेंट्स जल्दी प्रोवाइड किए एंड ऑन द टाइम प्रोवाइड किए तो फिर इजीली इनपुट कॉस्ट कम लगेगी एंड प्रोडक्शन बढ़ेगा. ओके, इतना ही है. कस्टम हायरिंग सेंटर इट इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ फार्मर्स विच परचेज द इक्विपमेंट्स विद द हेल्प ऑफ स्कीम ऑफ कस्टम हायरिंग सेंटर थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. ओके, एंड विच प्रोवाइड्स द इक्विपमेंट्स विद इन ए टाइम ऑन अ रेंटल बेसिस. ओके, समझ में आ गया. उन्हें क्यों प्रोवाइड करते हैं स्मॉल फार्मर्स, क्योंकि वो हर एक इक्विपमेंट खरीद नहीं पाते. ओके, इतना ही है कस्टम हायरिंग सेंटर. ओके, तो हम इसके विजन पर्पज ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी देखेंगे. ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेक अवेलेबल वेरियस फार्म मशीनरी इक्विपमेंट्स टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स टू इम्प्रूव मैकेनाइजेशन इन प्लेसेस विथ लो फार्म पावर अवेलेबिलिटी to expand mechanized activities during cropping seasons in large areas, especially in small and marginal holdings. अभी during crop rainy season में easily उन्हें equipments available नहीं होते. जो भी nearby area है 7 से 10 किलोमीटर का, तो वहाँ पे custom hiring center establish कर दिए तो उन्हें small farmers को easily इक्विपमेंट अवेलेबल हो जाएंगे और फिर इनपुट कॉस्ट कम लगेगी एंड प्रोडक्शन बढ़ेगा. सो जो भी स्मॉल फार्मर्स उन्हें जो भी घाटा होता है वो घाटा या नहीं होगा. इसीलिए कस्टम हायरिंग सेंटर का पर्पज है, यही ऑब्जेक्टिव है. ओके, समझ में आ गया. अभी पोटेंशियल, पोटेंशियल फॉर कस्टम हायरिंग सेंटर्स. द फार्म पावर अवेलेबिलिटी फॉर स्मॉल मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स इज द लोवेस्ट एज द स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डिंग्स कंस्टिट्यूट 80% ऑफ द टोटल लैंड होल्डिंग्स. द पोटेंशियल फॉर कस्टम हायरिंग सेंटर्स विच विल हेल्प टू फुलफिल द फार्म मशीनरी रिक्वायरमेंट इन लार्ज एरिया. ओके, समझ में आ गया. ऑब्वियसली बात है, कस्टम हायरिंग सेंटर इस्टेब्लिश मेंट हो गई तो विच विल हेल्प टू फुलफिल द फार्म मशीनरी रिक्वायरमेंट इन लार्ज एरिया. तो वो 7 से 10 किलोमीटर का एरिया होता है, वो कस्टम हायरिंग सेंटर उनकी सबकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेता है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन रिकग्निशन ऑफ दिस पोटेंशियल हैज इन विसाज इंक्रीज ऑफ फार्म पावर अवेलेबिलिटी फ्रॉम द प्रेजेंट लेवल 0.93 किलोवाट पर हेक्टर टू 2 किलोवाट पर हेक्टर ड्यूरिंग द 12th प्लांट पीरियड. द सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मशीनरी इज इनिशिएटिव टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव. सब्सिडी स्कीम्स आर ऑल्सो बेइंग फॉर्मुलेटेड टू इनकरेज एंटरप्रिनर्स एंड एग्री ग्रेजुएट्स टू सेटअप कस्टम हायरिंग सेंटर्स. तो एग्री ग्रेजुएट्स और यूथ को भी बढ़ावा देना है, इसीलिए कस्टम हायरिंग सेंटर की स्कीम लाई है. Therefore, keeping in view the emphasis of agricultural farm machinery and the need for taking the farm machinery within the reach of small and marginal farmers, institutional credit needs to be made available for custom hiring centers. अभी लोकेशन कितना होना चाहिए? Nearby 5 से 7 किलोमीटर. सॉरी, 7 से 10 नहीं, मैंने पहले से 7 से 10 बोला. सॉरी, 5 से 7 किलोमीटर नियर बाय
कस्टम हायरिंग सेंटर होना चाहिए। तो इजीली जो भी रिक्वायरमेंट है इक्विपमेंट्स की, जो भी खरीद नहीं पाते इक्विपमेंट्स और उन्हें यूज करना है लेकिन, तो वो ऑन अ रेंटल बेसिस उसका यूज कर सकते हैं। ओके, ऐसे मिला के 4 से 5 विलेजेस कवर हो जाते हैं। ओके, समझ में आ गया आपको कस्टम हायरिंग सेंटर क्या है? एक्चुअली देखिए, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करती हूँ कस्टम हायरिंग सेंटर एक्चुअल में क्या है। अभी कस्टम हायरिंग सेंटर एक कस्टम हायरिंग सेंटर एक डिपार्टमेंट है, मीन्स एक सेंटर है, वहाँ पे मशीनरीज, लार्ज अमाउंट में मशीनरीज ली जाती है और वो मशीनरीज स्मॉल या फिर मार्जिनल फार्मर्स को प्रोवाइड की जाती है ऑन अ रेंटल बेसिस। जब उन्हें रिक्वायरमेंट होंगी तब उन्हें प्रोवाइड की जाती है ऑन अ रेंटल बेसिस। वहाँ पे वो रेंटल बेसिस के लिए वो स्पेशल क्राइटेरिया है, वो स्पेशल अमाउंट कितनी लगेगी, कितने आवर्स के लिए कितना रेंट लगेगा, ये सब पूरा डिसाइड कर दिया है, ये अंडर दी स्कीम ऑफ कस्टम हायरिंग सेंटर के ऊपर डिसाइड कर दिया है। तो उतनी ही कॉस्ट लगेगी और वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, मे बी इन एग्जाम क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, पर आवर कितना लगेगा, पर आवर इसका रेंट कितना होगा और कितनी अमाउंट लगेगी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम लोगों को हर टाइम ऐसे लगता है कि अरे इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो ऐसा नहीं है, हम लोग ऑलराउंडर सभी सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सो एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो ये स्कीम उसी के ऊपर डिपेंड है, तो इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। तो मैं आपको लास्ट में वो क्वेश्चन भी बताऊंगी और आंसर्स, कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी शेयर करूंगी और कुछ क्वेश्चंस के आंसर शेयर नहीं करूंगी। ओके, जो आंसर शेयर नहीं करूंगी वो आंसर आपको सर्च करना है। ओके, तो फिर द स्कीम विच इज अंडर स्टेट गवर्नमेंट थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इज पॉपुलराइजिंग द कंसेप्ट ऑफ कस्टम हायरिंग सेंटर एज अ पार्ट ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन थ्रू अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए, टेक्नोलॉजी को अपग्रेडेशन मतलब फार्म मैकेनाइजेशन टेक्नोलॉजी बढ़ाना है, मतलब उसका यूज पूरा बढ़ाना है थ्रू द ग्रुप ऑफ फार्मर्स टू कम टूगेदर फॉर परचेसिंग हाई कॉस्ट मशीनरी। देखिए, अभी ग्रुप ऑफ फार्मर्स इजीली मशीनरी खरीद पाएंगे एंड विल गिव फार्म मशीनरी ऑन अ रेंटल बेसिस टू फार्मर्स हु कांट अफोर्ड टू परचेस हाई एंड एग्रीकल्चर मशीनरी। जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो वो रेंटल बेसिस पे मशीनरी का यूज इजीली उनके फार्म में कर पाएंगे। ओके, एंड सो दिस रोल इंट्रोड्यूसिंग अ हाई टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर मशीनरी टू इवन ऑर्डिनरी फार्मर्स विद द ऑब्जेक्टिव टू बूस्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। समझ में आ गया समझ में? इट इज अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स विच परचेज द हाईली कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स एंड प्रोवाइड्स द मशीनरीज whoever require on a rental basis। बस इतना ही है। ओके, अभी हम जनरल एक दो क्वेश्चंस देखेंगे एग्रीकल्चर के ऊपर। ओके, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के ऊपर, हु इज द फादर ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग इन इंडिया। ये क्वेश्चन आपको हमेशा मतलब पता होना चाहिए, एग्रीकल्चर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना उनके फादर हमें पता होने चाहिए, मे बी पूछ सकते हैं। ओके, सो क्या है आंसर इसका? यस, द राइट आंसर इज मासून वॉक। ओके, उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा। मासून वॉक इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग इन इंडिया। इन इंडिया ये इंपॉर्टेंट है। इन हिज ऑनर इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स एस्टैब्लिश्ड द मासून वॉक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग पायोनियर अवार्ड। ये उन्हें मिला है। ही यूटिलाइज द ट्रेडिशनल इंडियन मटेरियल्स विच ही अडॉप्टेड फॉर फार्मर्स टू यूज एज अ मॉडर्न एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। अमंग हिज इनोवेशंस वॉज द शाबाश
an improved plow consisting of a flow share, a mold board, a flue boards, and a wood beam. It cost Indians is 15 rupees. Improved implements such as the Sabash made it possible for farmers to plow large areas than previously possible. आप सिर्फ इतना याद रखो, फादर ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग इन इंडिया इज मासून वाक. अभी हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और एक देखते हैं. फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस अबाउट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग. करेक्ट सेंटेंस निकालना है ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के रिलेटेड. तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? देखिए, मैंने यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए है. तो क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन कौन से पूछते हैं? सीआईएई इस्टेब्लिश ऑन दी डैश डैश, मतलब कौन से कब इस्टेब्लिश हुई. तो मैंने ये भी क्वेश्चन यहाँ पे आ गया. तो यहाँ पे वो कहाँ पे है, भोपाल में है, वो भी आ गया. लेकिन अभी ये सही है या रॉन्ग है, ये आपको चेक करना है. तो 5th 5-year प्लान में हुआ है चालू, ये आपको चेक करना है. ओके, तो ऐसे ही मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज में ले रही हूँ. तो इसीलिए आप हर एक स्टूडेंट, मैं चाहती हूँ एग्रीकल्चर का हर एक स्टूडेंट के पास पूरे, मतलब सब टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए. तो इसीलिए आप प्लैटिनम पैकेज लीजिए, उसका एडवांटेज लीजिए. इट इज़ ओनली फॉर 501 rupees. तो वहाँ पे हर एक क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, और इन एडिशन मेंस प्रैक्टिस टेस्ट उतनी, मतलब अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस बना के उसमें डाले हैं. तो इसीलिए आप उसका एडवांटेज लीजिए. उसमें जनरल एग्रीकल्चरल क्वेश्चंस, ऑल टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल क्वेश्चंस एनालिसिस करके पूरे क्वेश्चंस डाले हैं उसमें. तो देखिए, अभी इसका आंसर, राइट आंसर क्या है? बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. तो कौन सा रॉन्ग है? सी इज द रॉन्ग. देखते हैं अभी सी क्या रॉन्ग है. द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग भोपाल वॉज इस्टेब्लिश ऑन 15th February 1976. यस, वहां पे मैंने क्या दिया था? 1956, विच इज द रॉन्ग. ओनली ए, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. During the 5th 5-year plan, on the recommendation of task force headed by J.S. Kanwar, with the aim to develop and popularize technologies for mechanization of Indian agriculture. ये important है, जो highlight point किए हैं वो important है. भोपाल में ये भी आपको पूछ सकते हैं, Central Institute of Agriculture and Engineering कहाँ है? तो भोपाल में है. तो कब इस्टेब्लिशमेंट हुई? 1976. ये भी आपको याद रखना है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. इनिशियली इंस्टीट्यूट वॉज स्टार्टेड विद द 4 डिपार्टमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रो मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड फार्म पावर. सब्सटेंशियली एग्रो इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन, इरीगेशन एंड ड्रेनेज रिलेटेड एक्टिविटीज वेयर ऑल्सो इंक्लूडेड. ओके, ये इंपॉर्टेंट है. आपको क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है? बस सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग भोपाल में है. 15 February 1976 को स्टार्ट हुआ 5th 5-year प्लान में. ओके, समझ में आ गया? तो आपको इतना याद रखना है. एनी हाउ, अभी इसका विजन क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, टू मॉडर्नाइज इंडियन एग्रीकल्चर बाय इंप्रूवमेंट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी थ्रू एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, हार्नेसिंग एनर्जी फ्रॉम रेन्यूएबल सोर्सेस, इफिशियंट मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर, रिडक्शन इन पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, टू प्रमोट एग्री बिजनेस विथ व्यू टू इन्हांस इनकम एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन रूरल सेक्टर. इम्पॉर्टेंट है, ये विजन आप याद रखो. ओके, okay?
विजन में क्या है एक्चुअली, मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा देना है, एग्रीकल्चर मेकनाइजेशन को बढ़ावा देना है. सो एग्रीकल्चर जो भी लेबर है उनके लिए जो भी इनपुट कॉस्ट, मतलब जो भी खर्चा बढ़ता है तो वो कम करना है एग्रीकल्चर मेकनाइजेशन करके, इक्विपमेंट्स यूज करके इनपुट कॉस्ट को कम करना है, ये इसका विजन है. ओके अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द इफिशियंसी ऑफ ट्रैक्टर इन आवर्स पर ईयर. इफिशियंसी क्या है ट्रैक्टर की, ये तो इजी क्वेश्चन है, एक बार एग्जाम में भी आ चुका है. क्या है इसका आंसर? यस द राइट आंसर इज 1000 आवर्स पर ईयर. सी कस्टम हायरिंग सेंटर यूनिट, ये अपना हमें ये भी देखना है. ओके कस्टम हायरिंग सेंटर्स आर बेसिकली अ यूनिट ऑफ कंपराइजिंग अ सेट ऑफ फार्म मशीनरी इम्प्लीमेंट्स इक्विपमेंट्स मीन्ट फॉर कस्टम हायरिंग बाय फार्मर्स. थ्रू दिस सर्टन इम्प्लीमेंट्स एंड इक्विपमेंट आर क्रॉप स्पेसिफिक. द ट्रैक्शन यूनिट्स लाइक ट्रैक्टर पावर टीलर्स एक्सेट्रा एंड सेल्फ प्रोपेल्ड मशीनरी लाइक कंबाइन हार्वेस्टर एक्सेट्रा आर यूज इन कॉमन. ओके ये इक्विपमेंट्स खरीद के सेंट्रल हायरिंग सेंटर यूनिट बनाया जाता है. ओके देयरफॉर एन आइडियल मॉडल इन विसाज इन दिस प्रोजेक्ट कंपराइज फार्म मशीनरी दैट आर कॉमनली यूज फॉर टिलेज ऑपरेशंस फॉर ऑल क्रॉप्स मल्टी क्रॉप इक्विपमेंट एंड अ मिनिमम ऑफ क्रॉप स्पेसिफिक मशीनरी. कुछ नहीं, अभी आगे एक बार हम टोटल कॉस्ट देख लेते. This model is essentially suited for areas where paddy is cultivated predominantly. मतलब जहाँ पे paddy grow की जाती है वहाँ पे mostly मतलब ये चलता है क्योंकि वहाँ पे machinery लगती है. Central hiring centers may comprise the following machinery. अभी कौन सी machinery include की जाती है? 35 horsepower tractor for tillage operations, traction source and transport. Power tiller for tillage operations in small firms. Traction source for small equipment. Multi-crop power thresher, winnower, self-propelled reaper, sprayers, repairing tools. Abhi the cost of unit works out 15.50 lakh. Okay, which includes the cost of construction of workshed 500 square feet and a important point is the land cost which is not considered in the project. अभी important point क्या है? The land cost वो include नहीं किया है. Unit works out 15.50 lakh. आपको ये याद रखना है. Okay? Workshed कितना है? 500 square feet. यहाँ पे land cost include नहीं किया है. And machineries कौन से आते हैं? 35 हॉर्स पावर ट्रैक्टर, पावर टीलर, मल्टी क्रॉप पावर थ्रेशर, विनोवर, सेल्फ प्रोपेल्ड रिपर, स्प्रेयर्स, रिपेयरिंग टूल्स. ओके इतना आता है. तो इसके ऊपर कुछ गाइडलाइंस है सेंट्रल हायरिंग सेंटर्स, इसके ऊपर कुछ गाइडलाइंस है. वो गाइडलाइंस वो इम्पोर्टेंट है तो वो भी हम लोग देखेंगे. ओके तो गाइडलाइंस के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं. तो कौन से क्वेश्चंस बनते हैं? व्हाट इज द रेंटल कॉस्ट पर आवर ऑफ ट्रैक्टर फॉर एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस अंडर द स्कीम ऑफ सेंट्रल हायरिंग कस्टम हायरिंग सेंटर्स. सॉरी दो से तीन बार मेरे मुंह से सेंट्रल हो गया वो. कस्टम हायरिंग सेंटर्स. अभी मैंने क्या बोला था आपको, कस्टम हायरिंग सेंटर जो भी ग्रुप ऑफ फार्मर्स है वो इक्विपमेंट्स खरीदते हैं और जब लगा मतलब जब रिक्वायरमेंट हुई स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की वो सेंटर से लेते हैं ऑन अ रेंटल बेसिस. अभी मैंने उसके लिए बताया था आपको ऑन अ रेंटल बेसिस वो अमाउंट फिक्स है. ऑन अ रेंटल बेसिस पर आवर इतना मिलेगा, पर डे इतनी होगी, तो वो गाइडलाइंस स्पेशल गाइडलाइंस है. वो स्पेशल
टेबल बनाया है वो टेबल इम्पॉर्टेंट है और उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसी का ये एक मैंने एक क्वेश्चन बनाया है. व्हाट इज द रेंटल कॉस्ट पर आवर ऑफ ट्रैक्टर. अभी ट्रैक्टर का रेंटल कॉस्ट क्या है, पर आवर रेंटल कॉस्ट क्या है. फॉर एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन के लिए यूज करना है ट्रैक्टर का, तो उसका पर आवर रेंटल कॉस्ट क्या है. सपोज अभी स्मॉल मार्जिनल फार्मर में हूँ और मैं मुझे रिक्वायरमेंट है ट्रैक्टर की फॉर एग्रीकल्चरल ऑपरेशन के लिए, ओके और मैं कस्टम हायरिंग सेंटर के वहाँ जाती हूँ और वहाँ से मैं पर आवर फॉर वन आवर मेरा मतलब मैं मार्जिनल फार्मर हूँ और फिर मुझे पर आवर के लिए ट्रैक्टर फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशन के लिए चाहिए, तो फिर मुझे वहाँ पे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, कितना रेंट रेंटल कॉस्ट देना पड़ेगा वहाँ पे. तो ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है और ये फिक्स अमाउंट है, ओके ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. तो यही फॉर्मेट आपको, यही टेबल आपको लर्न करना है. ये जो भी कस्टम हायरिंग सेंटर जो भी बनाया है, ये स्कीम बनाई है, तो इसके अंडर कुछ गाइडलाइंस बनाई गई है, तो वो गाइडलाइंस हमें लर्न करनी है. उसका रेंटल कॉस्ट कितना है, उसका पर डे कितना खर्चा होता है, उसमें कौन से मशीनरीज इंक्लूड होती है, ये सब इंक्लूड किया है. तो इसका राइट आंसर आप मुझे बताइए. तो इसका राइट आंसर है 600 रुपीज, ओके. तो ऐसे ही हम एक से और दो से तीन क्वेश्चंस में आपको पूछूंगी, उसके आंसर्स आपको देना है मुझे कमेंट बॉक्स में, ओके. मैं उसके आंसर्स आपके साथ शेयर नहीं करूंगी, ओके. और आपको वो टेबल या फिर कुछ गाइडलाइंस है आपको लर्न करनी होगी, तो आप प्लीज गो फॉर प्लैटिनम पैकेज. बहुत से स्टूडेंट्स उसका एडवांटेज ले रहे हैं और जो नहीं ले रहे हैं वो प्लीज सब्सक्राइब फॉर प्लैटिनम पैकेज विच इज ओनली फॉर 500 रुपीज, ओके. तो वहाँ पे मैं 50 टेस्ट भी दे रही हूँ, वो जो कि 50 टेस्ट पूरे क्वेश्चन एनालाइज करने के बाद पूरे 2017 तक जो भी एग्ज़ाम 2017-18 तक जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसी के ऊपर एनालाइज करके क्वेश्चंस बनाए हैं एंड उसके ही ऊपर टेस्ट मेंस टेस्ट बनाई गई है, ओके. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. हाउ मेनी टोटल आवर्स और डेज आर रिकमेंडेड फॉर एनुअल यूसेज ऑफ पावर टिलर. अभी इसका आंसर क्या है. कस्टम हायरिंग सेंटर के अंडर पावर टिलर के लिए टोटल कितना, मतलब कितना आवर्स या फिर डेज रिकमेंड किए गए हैं, तो इसका आंसर आपको बताना है, ओके. इसका आंसर मैं नहीं शेयर करूंगी आपके साथ. एक क्वेश्चन आप नोट डाउन कीजिए, ओके. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मैं और पूछती हूँ आपको. द ऑब्जेक्ट ऑफ एन आइडियल ग्रेन स्टोरेज स्ट्रक्चर. अभी एक ग्रेन स्टोरेज स्ट्रक्चर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में कहाँ से आया, अभी आप ये सोचेंगे, ओके. तो ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आया है, तो विच इज यूज टू कंट्रोल एंड रिड्यूस द स्टोरेज लॉसेस फ्रॉम रोडेंट्स, इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बर्ड्स एक्सेट्रा. व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ लार्ज साइज गोडाउन्स. अभी गोडाउन स्टोरेज स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंडर आता है, टू प्रोटेक्ट और टू रिड्यूस द स्टोरेज लॉसेस फ्रॉम रोडेंट्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा. तो यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ लार्ज साइज गोडाउन्स. लार्ज साइज गोडाउन्स की साइज कितनी होती है, ये भी फिक्स है, ये कुछ फिक्स है, ओके. तो वो आपको समझना है, वो आपको भी देखना है. एक बार मतलब देख लिया और एक बार आप उसके थ्रू स्कीम के थ्रू चले गए तो आपको बराबर समझ में आ जाएगा. ऑप्शन देखने के बाद आपको बराबर समझ में आ जाता है. ये क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन. द कंस्ट्रक्शन ऑफ गोडाउन्स इन द रेसिडेंशियल एरिया शुड बी अवॉइडेड
While selecting the location, maximum attention should be paid to the hygienic and sanitary conditions of the area. How much minimum distance should be maintained between godown and dairies and poultry farm units? अभी देखिए, अभी कुछ agricultural units है और godown है, उनके बीच में minimum कितना distance होना चाहिए? ये यहाँ पे पूछा है. तो ऐसे ही कुछ units है, basic agricultural जो units है, एंड उनके बीच में गोडाउन मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ये भी लिस्ट है, ये भी लिस्ट आपको देखनी है. ओके, ये भी लिस्ट के थ्रू आपको जाना है और क्वेश्चंस के आंसर देना है. जो भी प्लैटिनम पैकेज के सब्सक्राइबर है उनको ये आंसर पता होगा. ओके, सो प्लीज आप उसके थ्रू जाइए और क्वेश्चंस के आंसर दीजिए. तो ये क्वेश्चंस आप नोट डाउन कीजिए. ओके, सी प्लैटिनम टेस्ट सीरीज विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर कमिंग एग्जाम 2018-19 ऑफ फॉर एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर. टू बी कंटिन्यू विद दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब प्लैटिनम पैकेज विच इज ओनली फॉर 501 रुपीज. देर इज अ 50 मेस बेस्ट क्वालिटी टेस्ट विथ एक्सप्लेनेशन विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन. सो प्लीज गो थ्रू इट एंड टेक द एडवांटेज ऑफ इट एज सून एज पॉसिबल. एंड देर इज अ वीडियो एक्सप्लेनेशन एंड PDF ऑल्सो एंड एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑल्सो. So please take the advantage of it as soon as possible. Okay? To take the advantage, please go on this website and register there. If there is any problem, then please contact on this mail. Okay? आई होप आपको सब समझ में आया होगा. और कोई भी प्रॉब्लम होगा और कोई भी आपको समझ में नहीं आता होगा तो आप हम लोगों को मेल कर सकते हैं. ओके, सो थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.